का नाम अपना दोबारा? अली इजहार नाम है मेरा, अली इजहार। क्योंकि मेरे बच्चों ने बताया कि कोई आते उन्होंने मेरी मेरी जो भी किताबें हुए उसमें जो खुद उठाई और मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो मैं आपकी वीडियो के तवज्जो से कहूँगा कि जो भी लोग हैं आप कहीं अगर बेचना चाहते हैं यहाँ के बेटी की किताब में चाहिए, बड़ी हो शायरी हो या कहानी हो या ये अच्छी हेल्दी बहुत सुंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए आइए हम अपने हस्बैंड से सवाल करते हैं। ये जनाब भी यहाँ पर, एक्सक्यूज़ मी सर, सर आपको कैसा लगा यहाँ पर आना? क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम इस तरह देखी है लाइब्रेरी। इस तरह के इनिशिएटिव को देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के मामला हम दुनिया भर में तो देखते आए हैं कि जहाँ पर ये स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ का तसव्वुर बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है और उसमें बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदे उठाए। हैदराबाद में खसूसी तौर पर एक पसमानदा शहर कंसिडर किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है। हैदराबाद बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और वहाँ पर उसकी मिसाल एक बेहतरीन हमें नज़र आती है कि यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइब्रेरी की सूरत में यहाँ पर एक जगह मुयसर आ गई है कि लोग यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, चारों अतराफ में ट्रैफिक है, बीच में ये फ्लाई ओवर के नीचे जो एक बेमसरफ जगह होती है, कचरे का ढेर बनी होती है, उसको एक अच्छे अंदाज में यूटिलाइज किया है। इस तरह के जितने भी फ्लाई ओवर्स हैदराबाद में जगह जगह बने हुए हैं उसके नीचे इस तरह की बहुत सारी जगहें मौजूद हैं कि जहाँ पर हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अंदाज में। तो आप यहाँ बुक्स रखने आए या देखने? यहाँ पर बुक्स रखने के लिए भी आया हूँ, सिस्टर के साथ आया हूँ, मिसेज के साथ हूँ, बच्चे हैं मेरे साथ। और यहाँ जो हम खड़े हैं ये बहुत कॉमन, बहुत फेमस प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। यहीं बराबर में मेरे बिल्कुल हक में रानी बाग बड़ा मशहूर ज़माना ज़ू है और उसके पीछे बिल्कुल बैक साइड पर हमारे जो है वो शाहबाज बिल्डिंग के नाम से एक मशहूर सेक्रेटेरिएट है कि जहाँ पर हैदराबाद के जितने भी मामला हैं डेवलपमेंट के तौर पर या लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से जितने भी बहुत शुक्रिया सर।